एक गांव में लकी नाम का एक युवक रहता था। नाम तो लकी था, लेकिन वो हमेशा बदकिस्मत होता था। रास्ते पर चलते हुए नारियल पेट से उसके ऊपर गिरना, उसी के ऊपर बारिश गिरना, भैंस उसे ही मारना, एटीएम जाता तो तब तक अच्छा काम करने वाला मशीन उसके कार्ड डालते ही खराब हो जाना, ऐसे एक नहीं अनगिनत अपशगुन होते रहते थे। इससे लकी बहुत दुखी होता था। घर पे लकी, छी क्या नाम रखा पिताजी आपने, लकी क्या लकी, दूसरा नाम नहीं मिला आपको रखने के लिए, मेरी किस्मत को अब यही है, बदकिस्मती का अंत ही नहीं है। यूं कहा तो उसकी माँ, फिकर मत करो बेटा, जाने दो, तुम्हारे साथ भी किसी दिन सिर्फ अच्छा होगा, वैसे इंटरव्यू के लिए गए थे ना, क्या हुआ, यूं पूछी तो लकी, क्या होगा मेरा सर, मेरी किस्मत ही खराब है, जो इंटरव्यू लेने वाला था वो कॉलेज में मेरा सीनियर है, उसका मेरा 36 का आंकड़ा है, हमेशा लड़ाई करते रहते थे, इसलिए मुझे वो सिलेक्ट नहीं किया। यूं कहा। उस गांव के नदी के पास एक आदमी मछली फ्राई बेचता था, उसका नाम था पांडू। वो ईंट के चूल्हे पे मछली को बैम्बू में डालकर पकाता था। बिना तेल के बैम्बू में पकाए मछली बहुत स्वादिष्ट होने से लोग अच्छे से खाते थे। पांडू की जबान बहुत तेज चलती थी। एक दिन लकी वहां आया। वहीं पे पांडू किसी स्वामी का अपमान कर रहा था। क्या स्वामी, फिश फ्राई खाने बोल रहा हूँ तो मना कर रहे हो, मुफ्त में ही दूंगा, खाना है तो खाओ वरना नहीं, बस पैसे तो नहीं दूंगा। यूं कहा तो लकी, क्या पांडू ऐसे क्या बात कर रहे हो, उनका ऐसे अपमान नहीं कर सकते, साधु मांस नहीं खाते, ये लीजिए स्वामी। कहते हुए उन्हें 100 रुपए दिया। स्वामी जी, धन्यवाद बेटा, जल्द ही तुम्हारा धन योग होगा, ओम तत्सत। कहते हुए आशीर्वाद दिया। तब पांडू, धन योग किसे, इसे, वाह सही है, जाओ भाई स्वामी जाओ। यूं कहा तो स्वामी जी हंसते हुए, विनाश काल विपरीत बुद्धि, कहकर वहां से चले गया। फिर वहां लकी फिश फ्राई खाकर चले गया। अगले दिन पांडू के बंडी के पास एक महंगी कार आकर रुकी। उसमें से 4 लोग सूट बूट पहनकर उतरे। उन सबके प्लेट्स में पांडू बैंबू से निकालकर फिश फ्राई डाला। वे प्लेट के ऊपर प्लेट खाते गए। खाने के बाद पैसे देकर वहीं खड़े होकर दूसरे लोग जो खा रहे थे उन्हें ही देखते गए। ऐसे रोज वहां आना, फिश खाना, फिर दूसरों के आने पे उन्हें देखते रहना, ये सब होने लगा। एक दिन रहा नहीं गया तो पांडू, सर आप कौन हो सर, रोज आकर यहाँ खा रहे हो, खाने के बाद मैं बंडी बंद करूँ तब तक यहीं खड़े होकर देख रहे हो क्यों सर, यूं पूछा। तब एक, रे बेकार के प्रश्न मत पूछो, खाने के बाद पैसे दिया ना तो तुम्हें क्या, यूं कहा तो पांडू डर गया। एक दिन वे लोग वहां खाकर खड़े थे, इतने में लकी वहां आया। उसे पांडू ने फिश फ्राई दिया। लकी फिश फ्राई खा रहा था तो उसे मछली में एक हीरा मिला। वो उसे लेकर देख रहा था। बाप रे ये हीरे की तरह है, मछली के पेट के अंदर आया, शायद बहुत कीमती होगा। देखा पांडू, जैसे वो स्वामी जी ने कहा, मेरा धन योग आ गया है। यूं कहते हुए खुश हुआ। तब पांडू दंग होकर देख रहा था। इतने में वहाँ जो मौजूद लोग हैं, उनमें से एक गन निकाल कर, चुपचाप वो हीरा हमें दे दो, कहते हुए उसे ले लिया। लकी, सर सर ये गलत है सर, वो हीरा मुझे मिला सर, मुझे धन योग मिलेगा ऐसे स्वामी जी ने कहा सर। यूं कहा पांडू, क्या बात है लकी, बड़े आए धन योग कहने वाले, धन योग तुम्हें नहीं उन्हें मिला है। लीजिए सर लीजिए, आपका हीरा आप लीजिए। यूं कहा
तब वे लकी से, बेटा ये हीरा हमारे बॉस का है, वो बड़ा माफिया डॉन है। वो इस नदी में मछली पकड़ने आए तो ये हीरा नीचे पानी में गिर गया। इसकी कीमत 100 करोड़ के ऊपर है। इसके लिए हम पानी में बहुत ढूंढे लेकिन मिला नहीं। कौन सी मछली निकल गई सोचकर यहाँ इसके फिश फ्राई में मिलेगा सोचकर यहाँ खड़े थे। भगवान की कृपा से अभी मिला है, थैंक्स। कहते हुए उनके बॉस को फोन मिलाकर जो हुआ वो बताए। पांडू, देखा लखी, बदकिस्मती तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही, वरना 100 करोड़ का हीरा तुम्हें मिलना, मिलते ही तुमसे छीना जाना। बापरे, बदकिस्मती के ब्रांड अम्बेसडर की तरह हो तुम। कहकर हंसने लगा। तब वहाँ एक हेलीकॉप्टर आकर नीचे उतरी। वहाँ से उनका बॉस नीचे आया वो लकी से, थैंक्स भाई, इतना कीमती हीरा तुम्हें मिल भी जाता तो तुम इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये खरीदने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, तुम्हारे काम नहीं आता, इसलिए तुम जो मदद करे उसके बदले 10 करोड़ रुपए इनाम दे रहा हूँ। कहते हुए एक सूटकेस दिया। वो देखकर पांडू चक्कर खाकर नीचे गिर गया।